हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज के मार्केट का पोस्ट एनालिसिस। राइट, पोस्ट एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ, एज आई ऑलवेज से, इट्स अ मास्टर क्लास फॉर यू गाइस जिनका कि ट्रेडिंग बिजनेस में आने का अपना एक सपना है और उनका एक पैशन है। उनके साथ मॉर्निंग में हम ये जो शीट आपके सामने दिखाई दे रही है, ये 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस में शेयर करते हैं। 24/7/2024 को हमें यूएस मार्केट का जो हैंडओवर है वो न्यूट्रल लगा। बॉन्ड यील्ड जो है वो हमें न्यूट्रल साइड पे लगी, क्योंकि एग्जैक्टली वो एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया के आसपास जो है कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रही है। इंडिया विक्स वॉज वेरी काम एंड कूल, 12.74 पे था, विच इज़ गुड फॉर दी स्टॉक मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ बुलिश साइड का नेचर। अगर है, अगर विक्स थोड़ा कम रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है, अदरवाइज हाई विक्स पे भी जो है मार्केट्स को बढ़ते हुए देखा गया है। बट समहाउ एक जनरल जो एक थॉट है वो ये है कि 12, 13, 14 तक जो है विक्स अच्छा माना जाता है, जहाँ पे कि एक डिसेंट वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड्स के ऑप्शंस भी निकल के आते हैं, एक डिसेंट तरीके से एक ट्रेंड को भी जो है वो सपोर्ट करता है। राइट, इंडियन स्टॉक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हमें मिले थे वो न्यूट्रल थे। कल का जो क्लोजिंग हुआ था उसके हिसाब से निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हमने और सपोर्ट एरियाज एंड रेजिस्टेंस एरियाज सारे आपके साथ शेयर किए थे। और बाई साइड पे जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट स्टॉक ट्रेड आइडिया है, पीआई इंडस्ट्री जो है बाई साइड पे था और सेल साइड पे सुप्रीम इंडस्ट्री था। और आज का जो मार्केट है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, उनको तो पता ही होगा, रेंज बाउंड मार्केट रहा और अपने आप को होल्ड किया मार्केट ने, और समहाउ एक ब्रॉड बेस्ड बिट जो है थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम भी दिखा कुछ मिड कैप काइंड ऑफ स्टॉक्स के स्टॉक्स में। कुछ सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, इंफ्रा, इन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स लाइक कंजम्पशन एंड एफएमसी, सॉरी एफएमसीजी। आई सॉ सेड कि एफएमसीजी ने थोड़ा सा जो है डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया, बट इंफ्रा जैसे स्टॉक, इंफ्रा जैसे जो सेक्टर्स हैं और फार्मा जैसे जो सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, और ऑटो ने अच्छा परफॉर्म किया। मोर और लेस एक होल्ड किया मार्केट ने अपने आप को कल के एक बड़े इवेंट के बाद, जहाँ पे कि एक एक अजम्पशन लगाया जा रहा है या एक एनालिसिस निकाला जा रहा है कि मार्केट में जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, इससे थोड़ा सा जो है मार्केट के अंदर जो एक एक लिक्विडिटी है उसका क्रंच आ सकता है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो 2.5% एडिशनल टैक्स इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के है। बट लग रहा है कि इन अ ब्रॉड सेंस इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक बजट पेश किया है एफएम ने, तो चीज़ें थोड़े देर से या थोड़ा टाइम लेगी बट सुधर जाएंगी। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई सेटबैक नहीं है। हाँ, टैक्सेस हैं जो कि नए इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ा है, तो इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं हम कि किस तरीके से जो इन ये जो लेवल्स आपके सामने जो ट्रेड आइडियाज़ दिए हुए थे, इनको लाइव मार्केट में किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते थे और इन ट्रेड्स को हम लेकर के आगे बढ़ सकते थे और उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये स्पॉट लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं निफ्टी के, ये जो लास्ट कैंडल आपके सामने दिख रही है या डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, हालांकि क्योंकि ज़्यादा कुछ मूवमेंट आज रहा नहीं, ये लास्ट कैंडल पे आप अपना फोकस अगर रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये ओपन हुआ 24,444 पे, हाई रहा इसका 24,504 और लो रहा 24,307। हालांकि लगभग 200 पॉइंट का पूरा दिन का मूवमेंट था और क्लोज जो है 24,413, यानी कि लगभग 65 पॉइंट माइनस होकर के ये बंद हुआ, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। हार्डली 0.27% का जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखा गया, और एग्जैक्टली ये एक्सपोनेंशियल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के बना हुआ है, जिससे कि हम ये एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये एक होल्ड कर रहा है मार्केट अपने आप को, अपनी जो है पकड़ को खो नहीं रहा है।
और ये कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 सालों से हम यही देख रहे हैं, ऐसा ही कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम चलता चला जा रहा है कोविड के बाद, 2020 के बाद से। ठीक है, इसका मतलब मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ है। आइए आप देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रेड करने का जो निफ्टी फ्यूचर लेवल्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। ये डेली कैंडल आपके सामने एग्जैक्टली डोजी, जो मैंने अभी वर्ड टर्म यूज़ किया वो एग्जैक्टली इस तरीके की फॉर्मेशन होती है डोजी की, कि जहाँ पे खुला ऊपर गया नीचे गया और वहीं जा करके बंद हो गया, मतलब अनडिसाइसिवनेस। और वहाँ पे भी अगर लोअर साइड का विक्स थोड़ा ज़्यादा है, मतलब लोअर साइड की जो पूंछ है, जो ये विक्स बोलते हैं, जहाँ पे कैंडल का मेन बॉडी होता है उसके ऊपर जितना जा रहा है वो एक सिंगल जो है आप देख पा रहे हैं लाइन को ऊपर जाते हुए, और फिर नीचे जितना जा रहा है उसको हम विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये विक्स को अगर हम देखें तो एक तरीके से ये अपर साइड पे, अपर एंड पे जो है इसने जो ये अपना एक अनडिसाइसिवनेस बनाया है, तो ये एक शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर यही पूरा पूरा जो कैंडल है ये नीचे की तरफ अगर इसने जो है लो ओपन एंड क्लोज दिया होता, और ये एक तरीके से डाउनवर्ड साइड का एक डोजी बनता, तो एक वीकनेस का सिग्नल होता है। बट यहाँ पे जो फॉर्मेशन है फ्यूचर लेवल के ऊपर जो निफ्टी के बनी है वो एक स्ट्रेंथ शो कर रही है, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में कल जब मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पे काम करेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज जो है मार्केट में किस तरीके से काम हुआ जब हमने ट्रेड लेना था। तो ये जो हमारे सारे के सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इन लेवल्स ने हमको किस तरीके से आज ट्रेड लेने में हेल्प करी। तो ये रहा पूरा आपका 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम जो हमेशा करते हैं, आज मैं आप ही के सामने सारी लाइंस वगैरह सब ड्रॉ करूँगा जिससे कि आपको एक आइडिया भी लगे कि चार्ट पे किस तरीके से काम किया जाता है। अगर देख देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है तो प्रैक्टिकली करते टाइम थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये आज का दिन यहाँ से शुरू हुआ और बेहतरीन दिन था। बेहतरीन दिन मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ तक ये सेकंड जो कैंडल है आप देख रहे हैं 9:30 की, इसने हाई बनाया कितना, इसने हाई बनाया 24,489, और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,561। अगर हमें कभी भी अगर हमें ट्रेड लेना है निफ्टी में, अगर 50 पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो 25 पॉइंट्स दूर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, जिसके कि जस्ट ऊपर जा करके हम जो है अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे स्क्रीन पे डाल दें, जिससे कि हमारा रिस्क जो है कैप्ड हो जाए। ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क में नहीं रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसका हाई गया 24,489, और जो रेजिस्टेंस था हमारा 24,561 था, लगभग लगभग 71 पॉइंट दूर जाकर के रेजिस्टेंस था, और इतना हमें मतलब इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं आ रहा था। एक बार को आप 50, अगर आपके सामने जो है 100 पॉइंट नीचे दिख रहे हों तो आप एक बार को 50 का जो है स्टॉप लॉस लेकर के चल चल सकते हो, बट यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं था तो हमने इस ट्रेड को नहीं लिया। और इसके बाद जो है इसका कोई भी कैंडल इतना ऊपर गया ही नहीं, लेकिन जहाँ पे हमारा सपोर्ट था 24,284 उसके पास, ये देखिए 12:15 के कैंडल, फिर उसके बाद 12:30 के कैंडल, 12:45 के कैंडल, हर एक उसके पास थी। आराम से आपको बहुत 3 मतलब 45 मिनट तक जो है निफ्टी ने मौका दिया कि 24,284 पे मुझे खरीदो और मैं तुमको 50 पॉइंट बना करके दूंगी या दूंगा, जो भी आप निफ्टी को मानते हो, राइट। तो यहाँ से आपने देखी 24,284 से ये कितना हाई गया है 24,451 तक, यानी कि 150 पॉइंट से भी ज़्यादा। तो बेहतरीन ट्रेड था यहाँ पे, बड़ा सिंपल, बिना दिमाग लगाने वाला, कोई आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी नहीं चलानी, कोई आपको स्प्रेड नहीं बनाना, आपके पास लेवल्स हैं, उन लेवल्स को जैसे ही आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के आसपास आती हैं चीज़ें वहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड लेना है, प्रॉफिट हो गया, सिस्टम करिए बंद और आराम से एंजॉय करिए पूरे दिन को। पहला ट्रेड हुआ रॉन्ग चला गया, दूसरा ट्रेड लीजिए, दो ट्रेड बैक टू बैक रॉन्ग चले गए, सिस्टम करिए बंद और एंजॉय करिए दिन को।
ये ही है सबसे पहला रूल ट्रेडिंग का जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से निफ्टी को देखिए, आपने कितने बेहतरीन तरीके से जो लेवल्स हमने आपको मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस में दिए उनके साथ किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से इसको ट्रेड कर सकते थे, ये था निफ्टी, राइट। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है वो किस तरीके से आज काम किया। सबसे पहले वही ब्लू लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि समझना और समझाना निफ्टी फिंगर पॉइंट्स टिप्स पे आ जाता है, क्योंकि क्या है कि उसको मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी रूल्स सब एकदम सेम चलेंगे बट उसको मुझे देख करके आपको बताना होता है कि कहाँ पे आपके मौके बने बैंक निफ्टी के। मार्केट ने कल की जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा डाउनवर्ड जो है ओपनिंग दी, थोड़ा नीचे आके ओपनिंग दी, लेकिन एकदम बीचों बीच जो है पहले एक घंटे में 15-15 मिनट की एक कैंडल है ना, तो ये चार कैंडल यानी कि एक घंटे कैंडल एकदम बीचों बीच जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया 52,183 और 51,411 के बीच में चलते रहे। फिर उसके बाद हमें एक मौका मिला जहाँ पे कि 50 पॉइंट दूर था आपका सपोर्ट एरिया 51,411 और ये 10:15 की जो कैंडल है इसने अपना लो बनाया 51,452 और 51,411 एग्जैक्टली यहाँ पे जो है एक मैं एकदम कहूँगा कि यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने का मौका था। यहाँ पे हम ले सकते थे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अगर मौका लिया होता ये तो सपोज़ इसके लो पे ही आपने अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 411 से जो है 50 पॉइंट ऊपर हुआ 411 से 50 पॉइंट ऊपर हुआ आपका 451 पे अगर आपने इसको बाई किया होता तो आपको कम से कम इस कैंडल का वेट करना पड़ता, राइट, ये जो 10:45 और जैसे ही आपने ट्रेड लिया आपका ये अगली कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, दो ट्रेड लेने दिन में, पहला ट्रेड जो है अगर चला गया गलत, जैसे ही यहाँ पे 11:11 वाली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आपके पास फिर मौका था, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस अपना काटा वहीं पे आपने इस कैंडल के क्लोज होते ही इस कैंडल ने क्लोज दिया अपना 51,300 अब यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है पूरा पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 411 से लेके 51,015 यानी कि पूरे 400 पॉइंट का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके अगेंस्ट में 200 पॉइंट तक आने का पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल है और सारे के सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, ये तीन चारों लाइनें जो आप देख रहे हैं, आप देखिए 20, 50, 100 और 200 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम होराइजन पे चारों के चारों मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, प्लस आपके फेवर में जो है आपका ये जो 51,411 का रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया ये है, और एक ट्रेड आप लूज करके बैठे हैं 100 पॉइंट के रिस्क के आगे 200 पॉइंट तक जाने का पूरा चांस है, जो कि हमारे 51,015 पे जो है नेक्स्ट सपोर्ट है, और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर यहाँ पे आपने पहला ट्रेड लूज़ किया 50 पॉइंट का और यहाँ पे आपने 100 पॉइंट का जो है आपने स्टॉप लॉस लेकर के 200 पॉइंट के लिए अपना जो है अगर ट्रेड शॉर्ट साइड का लिया होता तो बेहतरीन तरीके से आराम से देखिए तीन कैंडल्स बनी हैं, ये तीन कैंडल्स हैं आपकी 12:15 की, 12:30 की और 12:45 की। 45 मिनट तक आपको पूरा मौका दिया कि भाई आप अपने 200 पॉइंट का या फिर 200 पॉइंट तो पहले ही हो जाएंगे आपके, क्योंकि 400 पॉइंट नीचे है ये कैंडल, आपको तो बीच में यहीं पे मौका मिल गया अपना 200 पॉइंट का ट्रेड बुक करने का, और यहाँ पे आप अपना ट्रेड बुक करके निकल सकते थे। तो निफ्टी का पहला ट्रेड सक्सेसफुल एग्जिट किया आपने, बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड 50 पॉइंट आपका आपके लेके गया और दूसरा जो ट्रेड है वो आपके 200 पॉइंट्स आपको दे करके गया, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्रेड आपके लिए। अब आते हैं हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा लॉन्ग शॉर्ट आइडिया क्या था। पीआई इंडस्ट्री को हमने लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे चार्ट पे हमें सिग्नल्स मिले थे जो हमने आपके साथ शेयर किए थे एजुकेशनल पर्पस के लिए, राइट, बिकॉज वी आर नॉट दी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स,
हम एक एजुकेशनल एंटिटी हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्नो फंडा एनालिसिस में अपनी अपने मेंटीज को ट्रेन करते हैं। तो ऑलरेडी पीआई इंडस्ट्री का जो ये चार्ट है 15 मिनट के ऊपर है, तो हम देख लेते हैं एक बार वही लाइन ओपन करके कि भाई किस तरीके से इसने अपनी परफॉर्मेंस दी। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लेवल्स भी लिख रखे होंगे, तो एक बार वो लेवल्स अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो हमको इजी होगा आपके साथ कम्युनिकेट करना कि भाई हमने क्या लेवल्स दिए थे और किस तरीके से उन लेवल्स को परफॉर्म किया पीआई इंडस्ट्री ने आज। आ गए हमारे सामने बाई के लिए, हमने इसको अपने चार्ट पे हमें सिग्नल्स मिले थे कि भाई पीआई इंडस्ट्री को अगर 4025 से लेकर के 3971 के बीच में खरीदा जाए, और अगर 4025 के ऊपर भी खरीदा जाए, बट 3971 से नीचे अगर ओपनिंग आ गई तो नहीं खरीदा जाए, राइट? ये हमारा रूल है। तो मैं बार बार रोज रिपीट करूंगा, लॉन्ग शॉट जो हम ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं आपके साथ, 3971 एक्चुअली इसका वीवैप है, और वीवैप के नीचे अगर एक बार ओपनिंग हो जाए तो जनरली ये मेरा तरीका है कि मैं जाता नहीं हूँ फिर उस ट्रेड के अंदर, अगर वो लॉन्ग साइड का ट्रेड है। सेम जो है वीवैप एरिया के जो है ऊपर अगर ओपन हो जाता है और वो मेरा शॉर्ट साइड का आइडिया है तो भी मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ फॉर द डे, ठीक है? तो हमारा जो है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जो कल का क्लोजिंग था 4025 के आसपास का था आई थिंक, और 3971 पे इसका वी वैप था, तो हमने ये प्लान किया था कि भाई अगर 4025 के ऊपर ओपन होता है या फिर जो है 3971 से 3971 के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, ठीक है? और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड वहाँ पे टारगेट 4135 के हिसाब से 1:2 मैच करता है, तो हम ये ट्रेड लेंगे और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 3970 रुपये का। मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है इज द सुप्रीम अथॉरिटी, राइट? देखिए पहला कैंडल ओपन हुआ 4025, ठीक है जी, एग्जैक्टली वहीं पे जाके ओपन हुआ जहाँ पे हमने ये लिख रखा है। ओपन होकर के इसने हाई बनाया 4032 का, 7 रुपये ऊपर गया। भाई हमें जाना था 4135 तक, इसने हमारी नहीं सुनी और इसने फिर जो है यहाँ पे देखिए आकर के कितना बड़ा, सबसे बड़ा जो लो है 11:30 पर इसका बनाया 3951 रुपये का, और इसका हमारा जो स्टॉप लॉस था 3970 का था, जो कि करीब यहाँ पे था, ठीक है जी, यहाँ पे था। 10 बजे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम एग्जिट हो गए 1:2 के हिसाब से 1% अपने कैपिटल का दे करके, ठीक है जी। जो भी हमारा टारगेट था उस टारगेट का हाफ दे करके हमने एग्जिट ले ली। लॉन्ग साइड का ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती चेज करना नहीं सीखा है, क्योंकि हमारे लिए रूल सर्वोपरि है। वही एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डेकेड हमको प्रॉफिट में रखने वाले हैं। स्क्रीन पे जो है स्टॉप लॉस था और एक अच्छा बड़ा स्टॉप लॉस हमने लिया था और उसको हिट करा, इसका मतलब प्राइस एंड एक्शन में कुछ खराबी है, हमारे हिसाब से वो ट्रेड नहीं गई, हमने अपना लॉस बुक किया और बाहर हो गए ट्रेड से। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड आज हमारे लिए काम नहीं किया, राइट? तो ये था बेसिकली पीआई इंडस्ट्री का ट्रेड। हालांकि आप कहेंगे कि देखिए बाद में जो है जाकर के वो वहीं पे जाकर के ऑलमोस्ट बंद हुआ या फिर वहां तक गया भी जहां पे कि आप जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल सकते थे, बट आज ये कैंडल्स बन गई है ना 10 बजे के बाद, तो आसान है देखना समझना या फिर अपने आप को समझाना कि यार ये क्या कर दिया। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है ये अगर नीचे चल जाता तो कितना लॉस देते। और हमारा पहला नियम है कि वी नीड टू कट आर लॉसेस, मिनिमम लॉसेस, मिनिम वॉट एवर मिनिमम पॉसिबल लॉसेस वी नीड टू कट देम फर्स्ट, और 1:2 का मिनिमम जो है रिवॉर्ड हम वहां पे लें। और रिवॉर्ड जब एक बार 1:2 का मिनिमम रिवॉर्ड लेना सीख जाए तो फिर उसको 1:3, 1:4 बनाना बहुत आसान है। वो एडवांस स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें कि आपको कैसे अपने प्रॉफिट्स को लीड करना होता है, राइड करना होता है, वो आपको आना चाहिए। और वो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप सीख भी जाएंगे, जिसमें आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले जाना है, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करते चले जाना होता है। तो ये ट्रेड आज हमारे फेवर में नहीं था,
हमारे फेवर में क्या दूसरा ट्रेड था? सुप्रीम इंडस्ट्री हमने सेल साइड पे दिया था, SUPREME, सुप्रीम इंडस्ट्री। निफ्टी टॉप 200 का ये हमारा स्टॉक था, क्योंकि शॉर्ट साइड को उसी पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो लॉन्ग साइड में तो हम निफ्टी 500 को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट साइड के ट्रेड में इट इज़ आर कंपल्शन दैट वी नीड टू ब्रिंग ट्रेड फ्रॉम दी निफ्टी 200, जिसका कि आपको फ्यूचर लॉट मिल जाए, जिससे कि उसे ट्रेड करना इजी हो आपके लिए। 15 मिनट पे आ जाते हैं और 15 मिनट पे आके देखते हैं कि हमारे पहले हम इसका 915 का के हिसाब से इसकी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। हमारा जो मार्किंग है वो हमें देखना पड़ेगा, जिससे कि वो हमारे पास 15 मिनट चार्ट में आता रहे, जिससे कि उसको डिस्क्राइब करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी तो नहीं दिख रहा है, चलिए इसको यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और 15 मिनट का चार्ट बना करके वहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ये आ गया, ये थे हमारे लेवल्स। हमने जो है ये सेल करने की बात जो हमने करी थी कि भाई 5,5509 रुपए से लेकर के 5,585 रुपए की रेंज में इसे सेल करना है। रूल में फिर बता देता हूँ, 5,585 माने, क्योंकि अब ये शॉर्ट करने की बात हो रही है, तो 5,585 इज दी वी वैप पोजिशन ऑफ यस्टरडे, राइट। 5,585 के ऊपर अगर ओपनिंग देगा ये, तो मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा, क्योंकि इसने एक वॉल्यूम बैग्ड, जो एक वी वैप का पूरा होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का जो एक वेटेज है, उसको डिनाई किया है, उसको रिजेक्ट किया है। तो अगर ये शॉर्ट साइड के ट्रेड के अंदर अगर 5,585 के ऊपर ओपनिंग देता है पहले ही मार्केट खुलते ही, तो आई विल कीप दिस आइडिया असाइड, राइट। आई विल नॉट गो विद दिस ट्रेड, दिस इज द रूल वन, रूल नंबर वन। 5,509 के नीचे से भी अगर ओपन देता है और फिर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 पे फेवर कर रहा है, जहाँ पे कि मैं 5,290 रुपये इसको आते हुए देख रहा हूँ, राइट, तो फिर मैं एक बार को उस ट्रेड में चला जाऊंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 9:15 पे इसने ओपनिंग कहाँ दी? इसने ओपनिंग दी 5,580 रुपये पे, 5 पॉइंट से बचा है, राइट। और ऐसे ही नहीं बचा है, उसके पीछे एक प्राइस एंड एक्शन है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर किसी रूल के तहत बनते हैं, उनका भी एक मीनिंग होता है, उनका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है, उसको ब्रीच करना इज नॉट ईजी। चाहे आप अगले दिन ही क्यों ना ओपन हो रहे हो, आप रिस्पेक्ट करते हो उस एरिया को, क्योंकि और उससे आप बताते हो, उस प्राइस से आप ये इंडिकेशन देते हो कि अभी भी जो ट्रेंड है वो वही है जो आपने पूरे कल तक देखा था, और कल के ट्रेंड के हिसाब से हमने ये एक आइडिया जनरेट किया हुआ होता है। इस वजह से हमने ये रूल या लॉजिक इस तरीके के जो ट्रेड्स लिए जाते हैं उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है, राइट। तो एग्जैक्टली जो है 5,580 के आसपास और आपको ये ओपनिंग मिला, हालांकि हमारे पास जो है 5,509 रुपये का जो है शॉर्ट करने का जो लेवल था, जो कि कल का क्लोजिंग था, वो एरिया था, आपको उससे भी जो है करीब 70 80 पॉइंट जो है 70 पॉइंट मान लीजिए, 70 पॉइंट ऊपर जो है आपको उसको शॉर्ट करने का मौका मिला, एकदम बिना जो है कुछ सोचे समझे। 5,585 के नीचे ओपन हुआ है, आपको शॉर्ट करना था, 80 रुपये ऊपर से मिल ही रहे थे, और ये देखिए पूरा का पूरा आपका जो है ये 5,357 पे आकर के क्लोज हुआ। हालांकि हमारा अभी भी जो टारगेट है वो है 5,290 का, 5,290 का टारगेट जो है 5,357 से कितना दूर है? 67 पॉइंट दूर है, राइट। अब बुद्धिमानी क्या कहती है, टारगेट से जो है 67 पॉइंट दूर हैं अभी हम,
हालांकि प्रॉफिट में मजे के प्रॉफिट के ऊपर हैं, क्योंकि एक लॉट साइज होता है, उस लॉट को आप इतने अमाउंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आपके हाथ में है जो आप लेके बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि यहाँ पे इस ट्रेड को इंट्राडे में क्लोज करके जाएंगे कि कल के लिए वेट करेंगे? देखिए, आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमने ये ट्रेड जो है पोजिशनल ली है या फिर इंट्राडे के लिए ली है। इंट्राडे के लिए लिया है तो आपको कट करके जाना है, भले आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। सेकेंडली, अगर पोजिशनल ली है तो पोजिशनली ये वीकनेस अभी भी शो कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ट्रेड आपको 5509 पे लेनी थी और वो ट्रेड आपको लेने का मौका मिला इसके ओपनिंग में ही, ओपनिंग जो इसकी 5580 यानी कि 70 पॉइंट ऊपर और 67 पॉइंट दूर जो है टारगेट है, 3 पॉइंट अभी भी प्लस में आप बैठे हैं अगर वहाँ पे आपने जो है अपनी शॉर्ट पोजिशन बनाई जहाँ पे कि ये ओपन हुआ था, तो कट दी ट्रेड। जो आपका जो टारगेट था एग्जैक्टली, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आपको वो टारगेट अचीव तो हो ही गया। जहाँ पे आप शॉर्ट करना चाह रहे थे 5509, उससे 70 पॉइंट ऊपर आपको शॉर्ट करने का मौका मिला, तो 67 पॉइंट आप सेक्रीफाइस कर दो, फिर भी 3 पॉइंट प्लस रहा जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट यहाँ पे सेट किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे चारों के चारों अंडरलाइंस जो हमने आपके साथ मॉर्निंग में प्री मार्केट एनालिसिस में शेयर किए थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? ये बेसिकली आपके साथ एक लर्निंग शेयर करने की जो हमारी कोशिश है वो है, जिसमें कि हम डे ऑन डे बेसिस पे सुबह शाम ये दो, एक तो शॉर्ट या फिर एक मिनट का जो वीडियो है वो आपके पास लेकर के आते हैं 8 AM पे, और 8 PM पे हम आपके पास लेके आते हैं पूरे का पूरा ट्रेड एनालिसिस, किस तरीके से इन लेवल्स को ट्रेड किया जाए। बीच बीच में हम उसमें आपके साथ कैंडल स्टिक्स की जो फॉर्मेशंस हैं उसको जो है शेयर करते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कुछ लोग हमारे वीडियो ऐसे भी होंगे जो देखते होंगे जिनको कि कैंडल स्टिक रीड करना नहीं आता है। बट जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, देखिए क्या होता है कि बेसिक ऑफ ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक रीड करना हुआ, मनी मैनेजमेंट हुआ, रिस्क एंड रिवॉर्ड हुआ, पोजिशन साइजिंग हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे जो आपके रूट लेवल जिसको आप बोलते हैं, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, वो हैं, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं आपके रिक्वेस्ट पे ही जो है उस पे वीडियो बनाऊंगा। एक एक पॉइंट को, अगर सपोज मैं कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा आधा घंटे 45 मिनट तक वो डिस्कशन जा सकता है एक ही कैंडल स्टिक को डिस्कस करने के अंदर। फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे अभी हमने डोजी को जो है डिस्कस किया क्योंकि वहाँ पे वो फॉर्मेशन हमको दिख गई, इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कैंडल एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कैंडल्स, लाइक यू कैन से मोर देन वन कैंडल का, कैंडल्स का जो एक फॉर्मेशन होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो इट्स अ लेंथी चैप्टर और लेंथी सब्जेक्ट विच यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज वॉट आई ऑलवेज से कि मार्केट में चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लोग कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हैं। आपको चीज़ें आसान रखनी है। अगर आपको प्राइस एंड एक्शन पर भरोसा है और आपने उसे सीखा है, तो हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ का जो आपको इम्पैक्ट है उस पर होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको ऑप्शन चेन और वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम इन द सेंस चार्ट पे वॉल्यूम तो रीड करें, बट जो ऑप्शन चेन पे जो पोजीशंस बनी हुई हैं वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह, ओआई वगैरह जो है, और फिर विक्स वगैरह को जो है उसको एनालाइज करना, वो भी एनालिसिस है, बट आपको कोई एक विद्या में महारत हासिल करनी होगी। और ट्रस्ट मी, किसी एक चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हो गई तो वो जो चार सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, वो इम्पैक्ट आपको आपके चार्ट के ऊपर दिखाई देगा, प्राइस एंड एक्शन के ऊपर दिखाई देगा, और आपको उसी के तहत अपनी जो है पोजीशंस में एंट्री एग्जिट करना है, और ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा जिस भी चीज़ का, जो भी चीज़ हो रही है मार्केट में, न्यूज़ आ रही है, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट घट बढ़ रहा है, पुट कॉल रेशो का जो है ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी हो रहा है, राइट, सब कुछ एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मिनट आपके चार्ट के ऊपर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है, और उसी चार्ट को आप प्राइस एंड एक्शन को मैं क्यों वेटेज देता हूँ, इसी वजह से देता हूँ कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट प्राइस एंड एक्शन पे आए बिना रह ही नहीं सकता। और अगर प्राइस एंड एक्शन पे उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो फिर जब इतना अच्छे से जो है ये एक डिफाइंड रूल है,
तो फिर हम उसी को, उसी में अपनी एक्सपर्टीज कर रखें, उसी में अपने आप को मास्टर करें कि जिसमें कि जहाँ पे आकर के सारी चीज़ें कुंभ के मेले में संगम में आकर के संगम में डुबकी लगानी है, तो फिर अलग अलग जाकर के गंगा जमुना सरस्वती में अलग अलग जाकर के डुबकी लगाने की ज़रूरत ही क्या है जब सबको आना संगम में ही है। ठीक है, तो ये कुंभ है प्राइस एंड एक्शन जो है आपके ट्रेडिंग बिजनेस का, और यहाँ पे आपको उसको इनकॉर्पोरेट कर देना है, अपना एक बढ़िया सा सिस्टम एक डेवलप करें, रूल डिफाइंड सिस्टम, जिसमें कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ना भूलें, मनी मैनेजमेंट को ना भूलें, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग को ना भूलें, और रूल ड्रिवन ट्रेड करें, और अपने रूल्स अपने आप को ही बार बार अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगा लें कि ये रूल्स हैं, जिसको कि ट्रेडिंग डेस्क पे बैठने से पहले एक बार गो थ्रू करें जब तक कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो जाते हैं, और उनको कंटिन्यूसली रिलीजियसली फॉलो करें। एंड जैसा कि लोग कहते हैं, मार्केट तो साहब आपको पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, आपको लेना आना चाहिए। आप करते क्या हैं, मतलब जो आप, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब जनरली जो ब्लेम करते हैं मार्केट को, भाई समुद्र में जाकर के पूरा समुद्र पीने की कोशिश करोगे तो डूब ही जाओगे, एक बार में जितना एक गिलास दो गिलास, और अभी तो काफ़ी स्कोप है। अभी तो आप ये मान के चलिए, जो लोग कहते हैं ना कि 10% लोग ट्रेडिंग में पैसे बनाते हैं, तो इट इज़ गुड, क्योंकि अभी एफिशिएंसी नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करता, ग्रीड एंड फियर जो है बहुत ज़्यादा हसर पे चढ़ करके जो है लोगों के बोलता है, गलतियाँ करते हैं, 4% महीने में टारगेट करने की जगह जो है 40% महीने में टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे अपना पैसा खोते हैं। इट्स अ जीरो सम गेम। इनएफिशिएंसी की वजह से जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो लर्नेड ट्रेडर्स हैं, वो आकर के वो जो एडवांटेज है उसको ले रहे हैं। अभी तो एफिशिएंसी का गेम शुरू ही नहीं हुआ, एफिशिएंसी का गेम उस दिन शुरू होगा जिस दिन लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ट्रेडिंग में 50% लोग पैसा बनाते हैं। अभी तो 90% का की इनएफिशिएंसी आपके लिए ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। असली टग ऑफ वॉर तो तब शुरू होगा जब लेवल फील्ड आएगा, जहाँ पे कि धुरंधर ट्रेडर्स जो है आमने सामने होंगे और सेम क्वांटिटी में होंगे, राइट? तो ये था हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट्स पे बताइएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। कीप लर्निंग, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय।